हेलो दोस्तों, अगर आपको फोटो एडिटिंग पसंद हो या फिर आपको फोटो एडिटिंग में इंटरेस्ट हो तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो यहाँ से शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए फ़ोटो के साथ। अगर आप अपनी खुद की फ़ोटो कुछ इस तरह की बनाना चाहते हो या फिर एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। इसके लिए आपको चाहिए अपनी खुद की फ़ोटो और दूसरे नंबर की ये वाली फ़ोटो। इस फ़ोटो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको ज़रूरत होगी PS Touch ऐप्स की। अगर आप ये ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ऐप्स को ओपन करने के बाद जाएंगे हम यहाँ पर, यहाँ से हम अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से कर लेंगे ऐड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, वहाँ से हम अपने दूसरे नंबर की फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से कर लेंगे ऐड। अब इमेज की साइज़ को बड़ी कर लेंगे, फिर यहाँ से डन कर लेंगे। अब जो दूसरे नंबर की लेयर है उसे पहले नंबर पे रख लेंगे, दूसरे नंबर की लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे यहाँ पे, वहाँ से फ़ोटो के ओपेसिटी 50% जितनी रखेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से डन कर लेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पे, वहाँ से फ़ोटो के ओपेसिटी 100% कर लेंगे, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, जाएंगे इरेजर में, यहाँ से इरेजर की साइज सेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर जाएंगे यहाँ प्लस के साइन में, वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे एम्प्टी लेयर, इस एम्प्टी लेयर को दूसरे नंबर पे रख लेंगे, यहाँ से डन कर लेंगे, फिर यहाँ पे टच करेंगे, जाएंगे यहाँ पे, वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे स्प्रे टूल, फिर हम वहाँ ब्लैक कलर सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पे, वहाँ से ब्रश की साइज एडजस्ट कर लेंगे, अब शेडो बनाएंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ पे, वहाँ से फ़ोटो की ओपेसिटी कम करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर तीसरे नंबर के लिए को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे यहाँ पे, वहाँ पे जाएंगे लेवल, ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से डन कर लेंगे, फिर से जाएंगे यहाँ पे, फिर जाएंगे सेट्यूलेट, फिर यहाँ से डन कर लेंगे, जाएंगे यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, फिर यहाँ से डन कर लेंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ पे, वहाँ से हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे मर्ज विजिबल, फिर जाएंगे यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, यहाँ से डन कर लेंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ पे कॉर्ड्स,
फिर यहाँ से डन कर लेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पे सेव, फिर इस पर क्लिक करेंगे, जाएंगे सेव टू गैलरी, फिर इस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे यहाँ से ओके, फोटो सेव हो चुकी है।